वीर भूमि हिमाचल के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा आज 47 साल के होते। साल 1974 में आज ही के दिन उस वीर सपूत ने पालमपुर में पिता जीएल बत्रा और मां कमलकांता बत्रा के घर जन्म लिया था। एक असंभव मिशन को भारत की विजय में बदलने वाले जवानों में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले बत्रा ने खून का एक कतरा कतरा देश के नाम कर दिया। कैप्टन बत्रा अभी अपना 25वां जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे, लेकिन उससे पहले देश को कारगिल की जीत का तोहफा दे गए। पालमपुर में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम ने आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ में पूरी की। कॉलेज में वो एनसीसी एयर विंग में शामिल हुए। इसी दौरान उन्हें मर्चेंट नेवी के लिए भी चुना गया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एमए में दाखिला ले लिया। एमए की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही 1995 में उन्होंने आईएमए की परीक्षा पास की। बत्रा को 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर में सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा कर लिया और दुनिया की किसी भी सेना के लिए पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को खदेड़ना बेहद कठिन रहता है। भारत के पास उस समय इतने आधुनिक रक्षा उपकरण भी नहीं थे। बावजूद इसके कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे भारत के वीरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाई और कारगिल वापस भारत को दिलवाया। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। बत्रा के नेतृत्व में टुकड़ी ने हम्प और राखी नाब को जीता और इसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। जीत के बाद कैप्टन बत्रा ने एक खास मैसेज कमांडिंग ऑफिसर वाई के जोशी को भेजा। रेडियो पर कैप्टन बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोर। और इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम पूरे भारत में छा चुका था। पॉइंट 5140 पर पाकिस्तानी सेना की काफी कैजुअल्टी हुई थी। पाकिस्तान के कई सैनिक खाई में गिरे थे। भारतीय सैनिकों के जज्बे में दोगुना जोश था और 4875 पॉइंट पर कब्जे की तैयारी की गई। इस दौरान कैप्टन बत्रा ने बिना हथियारों के 5 दुश्मनों को मार गिराया। गंभीर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की ओर ग्रेनेड फेंके। घायल होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपनी उम्र से ज्यादा के साथी को ये कहते हुए आगे नहीं बढ़ने दिया कि तू पीछे हट यार, तू तो बाल बच्चेदार आदमी है, इनसे मैं निपटता हूँ। कई दुश्मनों को मार गिराने के बाद विक्रम बत्रा ने देश के लिए बलिदान दे दिया। पहाड़ प्राइम इस वीर सपूत को बार बार सलाम करता है। जय हिंद, जय हिमाचल।